हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक प्यारे से व्लॉग में। मैं हूं सत्या और चलिए आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। भाई तो पटना से आए भाई, हमें ज़्यादा दिन ही हुआ है, बस कल ही आया था। और हम सब दोस्त सभी लोग मिलकर के मस्त सा एक प्यारा सा जगह जाने वाले हैं। पिछली बार वैसे एक समय हम गए हैं वहाँ पर, तो इस बार भी हम वहीं जा रहे हैं। फ़िलहाल हम अपने गांव से हल्की सी दूर परसा में जो मार्केट आपको दिख रहा है ना, हम वहीं पे हैं जहां पे बहुत सारा भीड़ लगता है भाई। वैसे भी ये दशहरा का समय है और बहुत ज़्यादा जाम भी लगता है इस वाले एरिया में। तो चलिए फिर से, अब हम जाम से तो निकल गए हैं, फ़िलहाल मैं ही अभी बाइक राइड कर रहा हूँ। और बाइक राइड करते हुए हम चलेंगे यहाँ से करीब मेरे घर से 25 किलोमीटर के आसपास उसकी दूरी है, वहाँ पे चलेंगे अंबिका भवानी के पास, जहाँ पे मंदिर है बहुत प्यारा सा, वहीं पे घूमने चलेंगे। उसके बगल में एक नदी भी है, गंगा नदी, वर्ल्ड फेमस नदी है भाई। हाँ देख रहे हैं, हाँ ठीक है भाई। वो तो हम दिख रहे हैं क्लियर है, जैसे भी ग्रीन हम जा सकते हैं। हाँ दिख तो रहा है यार तुम इधर लाइट इधर। हे गाइस, दिस इज सत्या एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। असल में आज दशहरा है और दशहरा के शुरुआत में यानी कि नवरात्रि की शुरुआत में हम जो लोग थे यानी कि हम जो दोस्त थे, हम लोगों ने ये सोचा था कि एट द एंड ऑफ नवरात्रि, मतलब नवरात्रि तो कल ही ख़त्म हो गया, लेकिन आज दशहरा के दिन हमने सोचा था कि एक मस्त सा प्लेस घूमेंगे और वही घूमने के लिए आए हैं। ये कौन सा प्लेस है ये तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन उसके पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि अभी फ़िलहाल आई थिंक यहाँ पे जो नज़ारा है ये आप सब लोग देखना पसंद करते हैं, जैसे कि नदियों के किनारे रहना उनको एक अलग सा फील आता है। तो हम लोग अभी हैं गंगा के किनारे, तो यहाँ पे ऐसे भी सिर्फ मैं ही नहीं हूँ भाई, यहाँ पे और भी हमारे दोस्त हैं, उनको उन लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे कि हमारे हेलो गाइस, नीतीश कुमार, तो हम लोग आए थे और भी लोग हैं उधर। हेलो भाई, जरा आप लोगों का इंट्रोडक्शन चल रहा है, हिला दो हाथ एक बार, हाथ हाय कर दो, वेव वेव प्लीज गिव टू द वेव। अच्छा आप लोग नजर नहीं आ रहे क्योंकि सूरज का जो रोशनी एकदम उस तरफ आते हैं, हम भी उधर आ जाते हैं। ठीक है ठीक है, इसको चढ़ना है, आइए आप लोग। एकदम आ रहे हैं भाई तुम लोग वीडियो में, अब जाके दिख रहे हो मतलब क्लियर। दिस इज सतीश एंड दिस इज आर फ्रेंड मनीष कुमार। तो वैसे इनका अच्छा खासा रुतबा है गांव में, सब अपना ही है, चलता है। और फाइनली हम लोग बहुत ऊंचे पे आ गए भाई, ये जो नाव है हमें बहुत सावधानी से बताना होगा। तो ये है वो नज़ारा भाई जिसके लिए हम आए थे यहाँ पे, मतलब कि बहुत कोशिश करते हुए यहाँ आए, क्योंकि एक बार दब गया है वहाँ पे जो मतलब इसका लोहे का पत्थर होता है, क्या बोलते हैं इसको, शीट, आयरन शीट, ये दब गया था। तो अभी चल रहा है हमारा ग्रुप सेल्फी। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन जाना हो, सब लोग आ रहे ना भाई। हेलो हेलो, सेल्फी लो सेल्फी। अच्छा सेल्फी भी लेना है, तो हमारी अब काम शुरू हो चुकी भाई सेल्फी के, इसलिए वीडियो बंद करते हैं। तो गाइज अब जाकर के हमारा फोटो शूट कंप्लीट हो गया, हालांकि अभी भी फिलहाल चल रहा है, कुछ लोग अभी डिससैटिस्फाइड अनसैटिस्फाइड है अपने फोटो से किए दो। वैसे हम लोगों का भी सारा फोटो मतलब हो गया है, हम लोगों का मेरा और सतीश का, बाकी दो तीन लोगों का बचा है, तो और भी लोगों के लिए और भी लोगों का फोटो शूट अब चलेगा। इसके बाद हम चलेंगे मंदिर में तुरंत ही घूमने, लेकिन कौन सा मंदिर है वहाँ पे चल के आपको बताएंगे, साक्षात भगवान के दर्शन करके। यार ये फोटो से चल रहा है, तो हमने जितने भी फोटो
शूट कर लिया है, उसमें से कुछ सिलेक्टेड फोटो आप लोगों को दिख जाएगी व्लॉग में, लेकिन दो लोगों, सिर्फ दो लोगों की नहीं, नहीं कोशिश करेंगे इनकी भी कोशिश करेंगे कुछ फोटोज क्लिक कर ले ताकि दिखाएं कि हमारे फोटोग्राफर, नहीं नहीं हमारे फोटोग्राफर कौन थे जिन्होंने हमारी कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरें खींची हैं, ये दिखाना जरूरी है। तो नीतीश कुमार जितने भी फोटोज इन्होंने लिया है बहुत तगड़ा, बहुत धांसू, और एक मनीष है सारा सब झूठ है। मनीष को दिखाइए असल में ये थोड़ा लिबरल टाइप के व्यक्ति हैं, अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहते हैं सामने, ये भी झूठ है, ठीक है, ये है मनीष जी। तो इनका भी फोटोशूट चला, मतलब एक तो हमको लग रहा है कि ज्यादा फॉर्मल हो रहे हैं, मनीष का भी फोटोशूट चला, इसका भी फोटोशूट चला, इसका भी और मेरा भी। सिमरन वो कौन सा डायलॉग रहता है शाहरुख खान वाला? नहीं नहीं शर्मा रहा है एक बार फिर से, नहीं फिर से हम तो फिर से हाँ ठीक है शुरू। तुम्हें क्या लगा यार इस... अरे जियो करिया भाजी, चलो 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 इसका वीडियो करने जा रहे हैं। हेलो गाइस, वीडियो कर रहे हैं गाइस। तो अब हम लोग सब लोग तैयार हैं यहाँ पे मंदिर में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि हमारा फोटोशूट भी हो चुका है, तो चलिए अब चलते हैं मंदिर में। तो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं, ये है आमी मंदिर, और हाँ चप्पल तो खुल के ही जाना पड़ेगा, शूज वगैरह हाँ खुल ही जाना होगा, और बिल्कुल मन साफ करके जाना होगा, मंदिर है चप्पल के बारे में ध्यान ना रखे बड़े। चलो भाई साहब ओके, तो ये रहा भाई अपना एंट्रेंस, इसी के अंदर भगवान शंकर का एक बहुत बड़ा मतलब स्टैचू है, तो वहीं पे पूजा होती है, और इधर आओ ठीक है, तो बाद में पूजा करके आप यहाँ पे चलते हैं हम, अगर वीडियो नहीं कर सकते क्या आगे? ये हमारे पंडित जी, पता नहीं पंडित जी हैं शायद कोई है तो पता नहीं, पंडित जी के अलावा दूसरा कोई भी हो सकता है। हाँ तो यहाँ इस मंदिर के प्रांगण में चल रहा है शादी, मतलब दो लोगों का शादी चल रहा है, एक तो यहाँ हो रहा है और एक बगल में। चलिए ये सब सीन जो आप देख रहे हो ये मंदिर के अंदर का है, और सामने रहा भगवान शंकर का वो बहुत बड़ा स्टैचू जिसके बारे में हमने बात किया था। तो भाई साहब हम लोग मंदिर से तो निकल गए हैं, लेकिन मनीष का जूता भाई बाद में पहनेगा क्योंकि पैर अंदर गंदा हो गया है, क्योंकि फर्श में मिट्टी उट्टी लगा हुआ था।